नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल मशीन से रिलेटेड दो टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड द सेकेंड टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ द मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। तो जो मैक्सिमम एडवांटेज का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने से पहले हम एक बार फिर से लॉ ऑफ मशीन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ मशीन है दैट इज पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये रिलेशन से ही हमें जो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है वो मिलने वाला है। तो ठीक है, सो लॉ ऑफ मशीन इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड इज नोन एज द लॉ ऑफ मशीन। मतलब दिस लॉ ऑफ मशीन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपको अभी ऊपर आई बटन में वो लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो दो लाइंस है, इसमें से ये जो फर्स्ट लाइन है ये है एक्चुअल मशीन के लिए और ये सेकेंड लाइन है ये आइडियल मशीन के लिए। सो इन केस ऑफ आइडियल मशीन हियर द वैल्यू ऑफ सी इज जीरो एंड दिस सी इज नोन एज द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस और यू कैन से द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाला है वो होगा इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस दैट इज सी। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हमें अभी जो मैकेनिकल मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है उसका जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आप इसे रिमेंबर करिएगा, इसे आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो चलिए अब हम मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज को समझते हैं। सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन राइट हियर द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज एम ए इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी, राइट। ये हमें पता है, ये हमने जब बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ा था उसमें हमने मैकेनिकल एडवांटेज देखा है। और अभी सेकेंड जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगा लॉ ऑफ मशीन के ऊपर से, जो हमने ऑलरेडी देखा है। सेकेंड इक्वेशन इज फॉर लॉ ऑफ मशीन दैट इज पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, दिस इज द लॉ ऑफ मशीन। तो अगर ये जो लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन है, ये जो वैल्यू ऑफ पी है, जो इक्वेशन ऑफ पी है, ये अगर पी में ये मैकेनिकल एडवांटेज में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे हियर द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू प्लस सी, राइट। सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो कैपिटल एम ए इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एम प्लस सी बाय डब्ल्यू, ऐसी टर्म मुझे मिलेगी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। अगर ये W की टर्म मैंने अगर बाहर निकाली तो एट द एंड मुझे इस तरह से ये मिलेगा। तो अभी देखिए यहां पे ये जो C बाय W जो रेशियो है, इसमें अगर मैं W की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है, अगर मैं W की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो ये C बाय W जो रेशियो है ये डिक्रीज होगा, और जब ये C बाय W रेशियो जब डिक्रीज होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अभी अगर मुझे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे ये जो C बाय W है इसे जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ये जो C बाय W है इसे मैं जीरो पुट करूंगा। तो जैसे वन डिवाइडेड बाय एम प्लस जीरो, सो इफ द सी बाय डब्ल्यू रेशियो इज जीरो, हियर द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज मैक्सिमम। सो आई कैन राइट हियर मैक्सिमम एम ए इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एम प्लस जीरो। सो हियर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन बाय एम। सो बाय यूजिंग this relation, by using this formula that is maximum MA is equal to 1 by M, we can calculate the value of maximum mechanical advantage of the machine. So, by using this formula,
वी कैन डिफाइन द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज. सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप. तो जैसे ये m हमें पता है, स्मॉल m इज स्लोप, ठीक है. तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप होगा, ठीक है. तो इस तरह से आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज को समझना है. तो ये हो गया मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में. द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज 1 डिवाइडेड बाय m. और यू कैन से द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, राइट. सो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज. अभी हम मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मशीन के बारे में देखते हैं. तो चलिए सुनाओ, अगेन इन केस ऑफ अ मैक्सिमम इफिशियंसी वी नो द फॉर्मूला फॉर द इफिशियंसी. जब हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बेसिक टर्म देखे थे उसमें हमने एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला देखा था. तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय वी आर इनटू 100. नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. सो हियर दिस एम ए इज मैकेनिकल एडवांटेज एंड वी आर इज अ वेलोसिटी रेशियो. नाउ अगेन वी हैव अ इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मशीन दैट इज पी इज इक्वल टू एम W प्लस सी. ये इक्वेशन तो हमारे पास है. तो अभी मुझे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज पता है. सो अगर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज पता है दैट इज 1 बाय m, तो मैं सिंपली यहां पे जो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज वो वैल्यू पुट करूंगा, वो इक्वेशन पुट करूंगा, तो वो पुट करके मुझे मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी मिल जाएगी. तो जैसे अगर मैं इसी इस तरह से लिखता हूं, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम एम ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू 100. नाउ हियर मैक्सिमम एम ए मीन्स 1 डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो. सो हियर द इफिशियंसी इज इक्वल टू, और यू कैन से द मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम इंटू वी आर. सो हियर यू कैन राइट लाइक दिस, मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम इंटू वी आर. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द मशीन, राइट. तो अभी देखिए यहां पे मैंने डायरेक्टली जो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में फॉर्मुलेट किया था वो मैंने डायरेक्टली यहां पे पुट कर दिया. तो अगर आपको फिर से अगर ये करना है कि आपको ये जो लॉ ऑफ मशीन है वो ये मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले में पुट करके आपको फिर से वही प्रोसीजर कंप्लीट करना है, तो आप फिर से वही प्रोसीजर करके भी आपको ये सेम फॉर्मूला ही मिलेगा. सो हियर बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द मशीन. नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिफाइन द मैक्सिमम इफिशियंसी. द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम ए टू द वी आर, दैट इज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन, राइट. तो इस तरह से आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मशीन जो है वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशंस. तो आगे इसके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सो बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, राइट. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस टू टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज अ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड दिस सेकंड वन इज अ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द मशीन. आई होप ये जो दोनों टॉपिक्स है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर कुछ आपके कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ गलतियां हुई है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.